Good afternoon, everybody. Myself, Nandkishor Albai. I was a student of George Telegraph in Sealdah Center. जब मैं मार्च अप्रैल 97 में मैं ईएनटी कोर्स में ज्वाइन किया था, मेरा एक ही ख्वाहिश था कि हमको इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में आगे बढ़ना है। टुडे मैं एक प्राइवेट कंपनी में हूँ जो बैंकिंग ऑटोमेशन पूरा फील्ड में है। जितना बैंक रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट होता है वो मेरा कंपनी उसको प्रोवाइड करती है। लगभग 16 से 17 इंजीनियर को मैं इंटरव्यू करके अपने ही कंपनी में या दूसरे कंपनी में मैं चांस दिया हूँ। मैं अपने सभी दोस्तों से यही बोलना चाहता हूँ कि आप जो टेलीग्राफ में आ रहे हैं, सबसे पहले आप इसका अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए। जो टेलीग्राफ आपको एक जो रास्ता दिखा रहा है, वो रास्ता में चलना है आपको। आज मैं जो भी पोजीशन पे हूँ, एक ही बात मैं बाई हार्ट बोल रहा हूँ कि मैं आज जॉब टेलीग्राफ के बदौलत हूँ कि जॉब टेलीग्राफ से मैं कोर्स किया हूँ, इंटरेस्ट लिया हूँ। यहाँ का जो फैकल्टी थे वो भी लोग बहुत अच्छे थे, मेरा एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। आज मैं जो भी रास्ते में चल रहा हूँ वो जॉब टेलीग्राफ का दिखाया हुआ रास्ता है। मैं 2000 में पास किया था, 2000 उसी समय मुझे जॉब टेलीग्राफ से एक इंटरव्यू कॉल आया था। हम लोग करीब 25 स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ था जिसमें से मैं एक था। तो 2000 सेलेक्ट करने के बाद हम लोगों ने हैदराबाद में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। कंपनी था टाइके पेरिफेरल सिस्टम्स लिमिटेड। तो मैं स्टाइपेंड की वजह से नहीं गया था, मैं काम सीखने गया था, क्योंकि मैं जॉब टेलीग्राफ में जो भी पढ़ा था, जो भी सीखा था, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरह उसको यूटिलाइज किया जाता है वो मैं देखने गया था। मैं ईच एंड एवरी स्टेप में हमको जॉब टेलीग्राफ का जो भी थियोरेटिकल सिखाया गया था, जो भी टीचर्स बताए थे, वो एक एक काम आ रहा था मेरा। तो आज मेरा अपना मेहनत और जॉब टेलीग्राफ का जो सिखाया हुआ रास्ता था उसी के चल के आज मैं, ये मेरा तीसरा कंपनी है, मैं आज रीजनल सर्विस मैनेजर हूँ इटको डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड का। मैं जब ज्वाइन किया था टाइके पेरिफेरल, उस समय रीजनल मैनेजर जो थे हम लोग सर्विस ट्रेनिंग के रूप में ज्वाइन किए थे। आफ्टर वन ईयर हम लोग कंपनी में सिलेक्टेड हुए, कंपनी में परमानेंट एम्प्लॉय हुए। उसके बाद कंपनी में आफ्टर सिक्स ईयर्स मतलब 2006 में मैंने वो कंपनी छोड़ के इनसो सिक्योरिटेड एक सिक्योरिटी कंपनी में ज्वाइन किया एज ए सीनियर सर्विस इंजीनियर। सर्विस इंजीनियर के बाद फिर ऑफर आया, फिर मैं इटको डिजिटल में ज्वाइन किया एज ए सर्विस मैनेजर। उसके बाद मैं प्रमोटेड इन 2015 एज ए रीजनल सर्विस मैनेजर। आज मैं जो पोजीशन पे हूँ बिकॉज ऑफ जॉब टेलीग्राफ, आज जॉब टेलीग्राफ ने जो हमको प्लेटफॉर्म दिया था उसी की वजह से आज हूँ। जो ये सोच रहे हैं कि मैं अपने लाइफ में क्या करूँ, क्या करना चाहता हूँ, मैं एक ही बात सबसे बोलना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले अपने आप को ट्रस्ट कीजिए, अपने आप को ट्रस्ट कीजिए कि हम ये काम कर सकता हूँ। उसके बाद जॉब टेलीग्राफ एक आपको अच्छा रास्ता दिखाएगा, वो रास्ता में चलना आपको है, वो जॉब टेलीग्राफ आपको दिखाएगा, आप उसका उनका हेल्प लीजिए। उसके बाद आप जो फील्ड में जाना चाहते हैं वो फील्ड में जाइए, कोई भी फील्ड छोटा या बड़ा नहीं होता है, ईच एंड एवरी फील्ड इज अ सेम, यदि आपको उसमें इंटरेस्ट लेके आगे बढ़ना है तो। तो मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ कि आप किसी भी फील्ड में जाइए, उसका बेसिक में जाइए, जो आपको जॉब टेलीग्राफ जितना अच्छा से आपको बेसिक नॉलेज देगा, क्योंकि एक एक टीचर यहाँ बहुत पुराने टीचर है, जो हमने उसको 97 में देखा था आज भी जॉब टेलीग्राफ में वो है, तो ये भी बहुत एक्सपीरियंस का काम करता है कि वो टीचर के पास भी काफ़ी एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस को आपको यूटिलाइज करना है। यदि आपको ओम्सला या चार्ल्स ला के बाद में पता नहीं चलेगा तो आप कभी भी कोई SMPS डिजाइन नहीं कर पाएंगे। ये जो बेसिक नॉलेज है यही फर्स्ट स्टेप ऑफ द कोई भी प्रैक्टिकल नॉलेज कोई भी करियर के लिए जो जॉब टेलीग्राफ से मिलता है। इसके बाद आपको जो भी कंपनी में ऑफर आ रहा है आप सैलरी मत देखिए, डिस्टेंस मत देखिए, आपको जस्ट ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन कीजिए आफ्टर सिक्स मंथ, आफ्टर वन ईयर उसका वैल्यूएशन कीजिए कि हम ये कंपनी में ज्वाइन किए मेरा कितना इम्प्रूव हुआ।
यदि आपको लग रहा है कि आपको काम से इम्प्रूव हो रहा है, आप उसको काम सीखिए। काम सीखने के बाद जब आप समझ जाएंगे कि हम मेरा नॉलेज आ गया है, अब मेरा फील्ड में जाना है, प्रोफेशनल लाइन में जाना, तब आप सैलरी का बात कीजिए। तो विदाउट नॉलेज, विदाउट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, प्लीज डोंट गो फॉर सैलरी। और किसी का मम्मी बोल दिया कि हम सिलीगुड़ी नहीं जाएंगे, आउट ऑफ स्टेशन नहीं जाएंगे, ये भी मत कीजिए, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है, आपको आगे निकलना पड़ेगा। आगे निकलने के लिए आपको सब समय चौस्टिग्राफ आपके साथ है। ये बोल के मैं खत्म करता हूँ।